कि ठीक हूँ मैं। अब सब इस बारे में बात कर ही रहे तो आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग। मैं रणबीर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं रणबीर के साथ हूँ, मैं माया के खिलाफ हूँ। हाँ, मैं नाटक कर रही हूँ कि मैं माया की दोस्त हूँ और उसकी साइड पे हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती माया रणबीर को और नुकसान पहुँचाए। माया ने जब मेरी ऑफिस के बाहर खुदकुशी करने की कोशिश की, तब उसने मुझसे कहा था कि वो रणबीर को छोड़ेगी नहीं, बदला लेगी, उसे इंसाफ चाहिए और वो चाहती है कि रणबीर को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऑफकोर्स मुझे पता है रणबीर इनोसेंट है। मैं माया की साइड से ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि उसकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, वो क्या प्लान करी है ताकि वो रणबीर को और नुकसान ना पहुँचा सके। थैंक यू प्राची, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता मेरा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। रणबीर ने तो मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, पर उसकी फैमिली भी उसे सपोर्ट कर रही है। पुलिस मीडिया को पैसे खिलाकर मेरी जिंदगी और बर्बाद कर दी है उन लोगों ने। प्राची का एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था। जब डैड और बाकी लोग उसकी तरफ देख रहे थे, वीडियो में जो असली रिकॉर्डिंग थी वो डिलीट करके अपनी बनाई रिकॉर्डिंग डाल दी थी। देखो अपना, मैं तुम मेरे साथ चलोगे, तुम बिना कुछ चिक चिक करे, चिक चिक मत करना, कुछ सवाल मत करना, कुछ जवाब मत करना, तुम और मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह लेके जाऊंगा। मैं कैसे? मैं वहाँ तब जाता हूँ जब मैं बहुत लो फील करता हूँ, ठीक है? और वो मेरी फेवरेट जगह। अरे पर मुझे घर भी तो जाना है ना। किसी को नहीं लेके गया, तुम्हें घर मैं ड्रॉप करूंगा ना, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? प्लीज 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 प्लीज, अब तुम अपनी गई तो मैं रोने लगूंगा। अच्छा चलो, और मुझे यार मत बुलाओ। थैंक यू, कम 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 कम, आओ बैठो, आइए बैठिए। दोनों साथ में आइसक्रीम खाएंगे, यही होने वाला था या इसके अलावा भी कुछ होने वाला है? प्राची, Cheers. अब पता चल रहा है तुम यहाँ क्यों आते। This is too good. है ना? और ये स्पेशली मेरे लिए बनती है। This is my special ice cream. रणबीर बाबा, आप अपने 15वें जन्मदिन पे यहीं आए थे ना? आया था ना, और कितनी सारी आइसक्रीम खाई थी मैंने। जी, इतने सालों में हमेशा अकेले ही आए हैं, आज पहली बार किसी के साथ आए। यू नो, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और ये वाली स्पेशल आइसक्रीम खा। अब ना मैं जब भी उदास होंगी यही आया करूँगी। जब आप दोनों साथ होगे तो कभी उदास ही नहीं होगी। उन्हें आने दो। सॉरी सॉरी, प्लीज। आज मैं गिर गई थी। इट्स ओके, रिलैक्स रिलैक्स, चोट लगी है ना, देन जरूरी नहीं है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि तुम्हें आना ही है, यू टेक इट इजी। मैं जाऊंगा वहां पर, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आई हैव टू कन्फ्रंट हर। क्या करेगी, इल्जाम लगेगा ना मुझ पर, मैं देख लूंगा। आई वोंट लीव हर। उसने बहुत गलत की है, अभी तक कानून के दायरे में चल रही थी वो, लेकिन आप कुछ भी करेंगी क्या? प्राची का एक्शन किया, I'm not gonna leave that girl. But भाई आप, हमें तो पता नहीं वो कहाँ रहती है, कहाँ होगी, आप कहाँ ढूंढने जाएंगे उसे इस वक्त? I know where she lives. कोई रेस नहीं। जिंदगी भी एक रेस है, इंस्ट्रक्शन से आती है क्या? जिंदगी में ना हमें हमेशा पता रहता है कि अगर हम हार गए तो हमसे क्या छिन जाएगा और अगर हम जीत गए तो हमें क्या मिल जाएगा। अब क्या है ना, तुम हार गए उसलिए बहाना बना रहे हो। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पहले तुम्हें इंस्ट्रक्ट करती तो जीत जाते क्या? ऑफ कोर्स जीत जाता। तो चलो फिर से शर्त लगाते, देखते कौन जीतता है। Are you sure? Very sure. हार जाओगी? मैं जीत जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ मैं जीत जाऊंगा। चल मैं आऊंगी। शर्त लगा रही हो? शर्त कितने की? आइसक्रीम तुम खिलाओगी फिर? Shut up. मेरे सामने फुटबॉल खेलता हूँ मैं, फुटबॉलर हूँ मैं। I can run faster than this wind. हवा से तेज भाग सकता हूँ, इतनी ठंड क्यों है आज? दादा सुनो, अब फिर आइसक्रीम दे दूँ? मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए, अब आइसक्रीम सिर्फ उसको मिलेगी जो हम दोनों में से। मैं पैसे जीत गई, मैं जीत गई। तू जीरो से जीत गई। एक काम करते, फिर से करते रेस, फिर मैं 3-0 से जीत जाऊंगी, तुम हारते रहोगे, मैं जीतती रहूंगी। चलो चलो, हार का सदमा लग गया क्या? चलो चलो चलो, जल्दी चलो, कम ऑन। सीट बेल्ट। अरे यार, तुम और तुम्हारे सीक्रेट लवर है ना, सीट बेल्ट, हर बात पे सीट बेल्ट सीट बेल्ट। उसमें और ट्रस्ट करने लग गई, मुझे उसने माया से दोस्ती की जिससे वो
वो रणबीर को सपोर्ट कर सके और मैंने माया से दोस्ती की जिससे मैं रणबीर को ट्रबल में डाल सकूं। मुझे सब कुछ मेरे अगेंस्ट जा रहा है, जो चीज मुझे करनी चाहिए ना वो सब वो प्राची कर रही है। मुझे लग रहा है कि मैं ही गलत हूं, मैं सब गलत कर रही हूं। आई एम अ बैड गर्ल पूजी, आई फील सो बैड। यस नो, यू आर नॉट अ बैड गर्ल, यू जस्ट फाइटिंग विद बैड पीपल। और कभी कभी बुरे लोगों के साथ लड़ने के लिए बुरा काम करना पड़ता है बेबी। तुम जो कर रही हो वो गलत नहीं है। और अभी तुम यहाँ ऐसे खड़े होकर रो मत, भाई के पीछे जाओ। उस माया का कोई भरोसा नहीं है। भाई को जब गुस्सा आता है ना तो भाई किसी से कुछ भी बुलवा लेते हैं। वो माया जरूर सब कुछ बोल देगी भाई के साथ, इसलिए वहां पर जाओ एंड मेक श्योर कि वो ऐसा ना करे। ठीक है? All right, पूजी। Thank you. मैं डैड को फोन करती हूँ। Hello, Dad. I'm coming with you. Okay, fine, Ria. Reach. Okay. Go. पर वो हाँ बोले या ना, इतना तो मैं क्लियर हूँ कि मुझे म्यूजिक और फुटबॉल से ज्यादा प्राची अपनी जिंदगी में चाहिए। They're going to be together in future. और इन दोनों की खुशियों के बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगा। आइसक्रीम वाले किशोर भैया ने कहा था कि जब बिन मौसम बरसात होती है तो कुछ ऐसा होने वाला होता है जो आपने कभी सोचा नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्या होने वाला? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ आज कुछ ऐसा होगा जो तुमने कभी नहीं सोचा था। आई थिंक तुम्हें आज कोई हेलो आंटी। हेलो बेटा। ओ, तो रणबीर प्राची को घर ड्रॉप करने जा रहे हैं। रणबीर का है? साहब फूल ले लो ना साहब। ले लो ना साहब। नहीं चाहिए, थैंक यू। कल वैलेंटाइन डे है साहब, आप अपनी वाइफ को दे देना, खुश हो जाएंगी। ले लो ना साहब। ले लो ना, उन्हें पसंद आएगा। ओके। आपका ये गुब्बारा गलती से उड़ के हमारी गाड़ी में आ गया। मैंने वापस करने की बहुत कोशिश की, आई स्वेयर, बट वो नहीं ले रही। पर मैंने इसके पैसे दे दिए, तो अब ये आज से तुम्हारा। अरे मैं कैसे, मुझे नहीं चाहिए। प्राची प्लीज रख लो ना, देखो अगर तुमने ये नहीं लिया तो ये बुरा मान जाए, बुरा मान जाएगा तो ये नाराज हो जाएगा, और नाराज हो गया तो ये चला जाएगा। देखो जा रहा है, 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 जा रहा है। मैं भी तो स्पेशल हूँ, मुझे बताओ। मुझे भी तो विद्या, क्या बताऊँ? वही जो पूछ रही हूँ, बताओ ना, मैं जानती हूँ उसे। देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, दोस्तों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, बताओ। यार प्राची अब तुम यार फोर्स मत करो मेरे को। एक तो मुझे यार मत बोलो और बताओ ना। नहीं मैं नहीं बता सकता, सॉरी। तुम वो सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किसी ने पहले हार्ट शेप का बलून दिया है क्या? दिया है मान। क्या हुआ? ओ क्यों? कुछ नहीं, सांस में सांस आ गई। हाँ? तुम्हारा घर आ गया, देखो सामने। घर नहीं आया, हम घर आए, घर वहीं पर है। घर आए। वेरी स्मार्ट। तो बात क्या है, मुझे बताओ ना, मुझे सच बताओ। देखो बिफोर इट्स टू लेट, मैं जानता हूँ इस सब में आलिया भी तुम्हारे साथ है। तुम दोनों ने मिलकर कुछ गलत तो नहीं किया ना? प्रिया टेल मी, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू इफ यू डोंट स्पीक द ट्रुथ, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। यू गॉट टेल मी व्हाट हैज हैपेंड, हुआ क्या है? Hey, तो मेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना, या मैं प्रिंसेस रहे, तो मुझे बताओ सच क्या है। I'll handle everything. मैं सब ठीक कर दूंगा। Just tell me what the problem is. बताओ मुझे सच क्या है, तुमने कुछ किया है क्या? You're gonna tell me, right? तुम बताओ कि मुझे? Yes. Tell me.
थैंक यू। किस लिए? मेरे साथ आज आइसक्रीम खाने के लिए। थैंक यू। वैसे तो थैंक यू मुझे बोलना चाहिए तुम्हें, आइसक्रीम खिलाने के लिए। आज मुझे थैंक यू बोलने दो, तुम कभी और बोल देना। अरे बारिश, चलो 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 चलो। अरे बलून, मेरा बलून। अरे बैठो 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 बैठो। अरे नहीं रणबीर। Stupid girl. इसमें गलत क्या है? What's wrong? तुमने आलिया से पैसे लिए माया को देने के लिए ताकि रणबीर पे केस ना हो। क्या गलत किया तुमने? प्राची ने भी वही किया ना जो तुम कर रही हो। तुम्हारा रास्ता गलत था लेकिन इंटेंशंस तो सही थे ना। तुम दोनों के तरीके अलग थे पर मिशन तो एक ही था ना, रणबीर को केस से निकालना। Sweetheart, you don't need to cry. I'm proud of you. Come here. Sorry, Dad. You don't need to be sorry, okay? बस अगली बार ऐसा कुछ करो तो मुझे पता ना। Come on, don't cry now. You're my strong girl now. You're my princess, right? आपने जो देखा ना, मतलब वैसा नहीं था, आपको कुछ गलतफहमी हो गई थी। I know जिस तरह आपने देखा गलतफहमी हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। रणबीर और मैं अच्छे दोस्त हैं। अब गलत सोच रही है। सरिता जी, आप उसे प्लीज कुछ मत बोलिए, उसकी कोई गलती नहीं है। वो गिर गई थी और मैं उसको बस। ये गया नहीं अभी तक यहाँ से। तेरे घर पे फोन लगाऊं, तेरे मम्मी पापा आके लेके जाएंगे तब जाएगा क्या? बोल दे इसे यहाँ से जाने के लिए। और हाँ, अगर बात बढ़ाने का शौक है तो खड़े रहे शौक से। नहीं तो गलत है, मतलब प्यार होता, कोई रिश्ता होता तो ये गलत नहीं होता। मैं कैसे समझाऊं आपको? ओके, रणबीर और मेरे बीच में सिर्फ दोस्ती है, हम सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं है। जो वो था बाहर जो मैंने देखा, वो दोस्तों में नहीं होता, दोस्तों में नहीं होता। और अगर वो सच है तो फिर वो दोस्ती नहीं है। तुझे अगर ये सब करना है ना तो कहीं और जाके कर, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। कि जब तक साबित ना हो जाए तब तक तुम कल्पित नहीं हो, तब तक कन्फेस मत करो until it's all out. Absolutely right, my baby. अभी अभी प्यार हुआ है और इतने इम्तिहान देने पड़ रहे हैं तुम्हें। But don't you worry, okay? प्यार में होता है ऐसा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी अड़चने आती हैं, but when you cross them, तो जो खुशी, जो प्यार मिलता है ना रिया, that is worth it. और तुम्हें भी जरूर मिलेगा, I promise you that. But always remember, never ever give up on your love. वो गलत है, अरे गलत तो तू कर रही है, और मैं अपने घर में ना कुछ गलत नहीं होने दूंगी। आज के बाद या तो तू रणबीर से मिलना बंद करेगी या फिर मेरे घर में रहना बंद करेगी। आंटी, आप ये सब क्या बोल रही हैं? आप कैसी बातें कर रही हैं? आप क्या नहीं जानती कि रणबीर सबको कितना अच्छा लगता है? आपको भी रणबीर पसंद है, मुझे रणबीर पसंद है, घर में सबको रणबीर कितना पसंद है। और इसमें बुराई क्या है? आप तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में सौतेली माँ बिहेव करती है ना, वैसे बिहेव कर रहे हो। सरिता आंटी, ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? पता नहीं क्या समझ रही है। आई नो गलत फहमी हो गई है, पर ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? नहीं है, मेरे और रणबीर के बीच में कुछ नहीं है। लेकिन मेरा इस सख्ती से पेश आना ना उसे अपने प्यार का एहसास दिलाएगा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि प्राची को अपने प्यार का एहसास हो। जब किसी को किसी चीज से रोका जाए ना तो उसके मन में उस चीज के लिए चाहत और भी बढ़ जाती है, वो बागी हो जाता है।
तो देखना प्राची भी ऐसा करेगी। क्या बात है आंटी, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका निकाला आपने प्राची से कन्फेस करवाने का। भाई प्यार तो एक ही होता है, लेकिन प्यार करने वाले अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनको समझने का, उनको समझाने का तरीका भी अलग होता है। अरे मुझे रानी ने भिगा दिया। ओ, तो मेरी राजा की रानी है। कोई रानी वानी नहीं, मैं भी आप ही की तरह गाड़ी से निकला। हाँ। मैंने रोड क्रॉस करी और जैसे ही मैंने रोड क्रॉस करी सामने से ऑटो वाला आया। ऑटो वाला आया, उसने मुझ पर पानी उछाल दिया, और जैसे ही उसने मुझ पर पानी उछाला मैंने देखने के लिए भागा उसको कि इस ऑटो वाला किसकी हिम्मत कैसी ऑटो वाले की, है ना। और जैसे ही पीछे भागा उसके पीछे लिखा हुआ था दिल्ली की रानी, तो रानी ने मुझे भिगा दिया। क्या बेकार है, मतलब झूठ भी ढंग से नहीं बोल पा रहा है। मेरी कहानी मुझे चिपका रहा है, मेरी बिल्ली मुझसे मियां है। अरे हूबहू सेम टू सेम, थोड़ी ओरिजिनल तो रख कुछ। सेम टू सेम कोई कहानी नहीं है, बहुत डिफरेंट है। आपके में ट्रक था, मेरे में ऑटो है। आपके में छाता नहीं था, आपके पास, मेरे पास छाता था। तो छाता खोला क्यों नहीं? असिस्टेंट के सामने जाके क्या पूछ रहे थे वो? क्या मजे मत ले, फोन करो। इतने मजे मत ले, वरना अगर वो सीरियसली ले लेगी ना तो मेरी वाकई में ले लेगी वो। क्या क्लास क्लास लेती है ना वो, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आए दिन मेरी क्लास लेती थी। सीरियसली ही बोलूंगा, वो तो भगवान से प्रार्थना करो कि वो मजाक में ले ले। मैं बताऊंगा मम्मी को। क्या क्या असिस्टेंट का नाम था? सुनजाता। सॉरी सॉरी, क्या मुझे आवाज ही नहीं आई? क्या 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 बोला आपने? सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी। विक्रम कोहली इज सेइंग सॉरी। विक्रम कोहली की है बोली, कह रहा है सॉरी। वेरी गुड। बट डैड आपको ये लगता है ये बहुत गलत है, लाइक यू शुड नॉट डू दिस? अरे मैं तो उसको ये समझा रही थी कि अगर तेरा रणबीर के साथ कोई रिश्ता नहीं है तो ये सब हरकत गलत है। हाँ अगर प्यार होता तो मैं अलाउ करती थी, मतलब इजाजत देती थी। भाई मैं तो इसलिए समझा रही थी ताकि उसको अपने दिल की फीलिंग पता चले और हमको बता दे। लेकिन सरिता जी, उसके दिल की बात पता लगाने के लिए ये तरीका थोड़ी सही है। आपने तो ऐसे बात की जैसे वो पुरानी पिक्चरों में वो सौतेली माए नहीं होती, वैसे बात कर दी आपने। अरे पुरानी हूँ तो पुरानी फिल्मों की माओ जैसे ही तो बोलूंगी ना। सौतेली माँ वो बात नहीं है, अभी प्राची को खुद अपने दिल की बात नहीं पता है ना, इसीलिए तो पूछ रही थी, समझा रही थी उसको। मैं जाकर बात करती हूँ। बात कर ली, समझा दिया उन्हें, कोई कुछ नहीं। मैं नहीं समझी और ना मैं समझूंगी, मैंने जो बोला सही बोला। और तुम लोग को गलत लगता है तो लगता रहे हो, और मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, बिना बात के बिना रिश्ते के गुटरगू करना। शाना तो पानी लेकर आना प्राची के लिए। मैं खुद ले आऊंगी। मैं बात कर रही थी ना उससे, आप क्यों फिर ये सब? नहीं मैं तो पुरानी फिल्मों की माँ जैसी हूँ, फिर वो तो ऐसे ही बात करते हो, मैं भी ऐसे ही करूँ। अरे आप प्राची सुन, तू टेंशन मत ले, मैं सीता आंटी को अच्छे से डांट लूँ, ठीक है? आप भी मत लो टेंशन, तू आराम से बात करना। और तू सुन, तुम्हारे लिए फिल्मी होगा ये सब, मेरे लिए बहुत रियल है। आज बारिश में ना आई फेल्ट समथिंग। क्या क्या हुआ? बस हो ही गया मेरे को। पर क्या? कुछ नहीं, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। अरे रणबीर तुम फोन रख रहे हो? हाँ, अगर मैंने फोन नहीं रखा तो मैं सब बोल दूंगा, सब बता दूंगा। गुड नाइट। पागल है बिल्कुल। साल भी ना लास्ट ईयर जैसा ही रहेगा। आई थिंक रिया का हाथ ना बिल्कुल एम्प्टी रह जाएगा बिना रोज के। नेक्स्ट ईयर बेटर। हाँ
थैंक यू सो मच, दिस इज फॉर यू. तुम नेक्स्ट ईयर ट्राई करना. हाय गर्ल्स. कुछ नहीं सर. ऑफिस में कुछ नहीं कैसे चल सकता है? नहीं नहीं, यू आर राइट. अभी There is something fishy. कुछ तो चल रहा है. Nothing sir. वो आपकी फाइल, आपकी सिग्नेचर चाहिए. क्या मैं उसको ले सकती थी? जो ही तुम. What's this? ये क्या है? सर ये आपके लिए नहीं है सर. वो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया था वैलेंटाइंस डे पे. वो आज वैलेंटाइंस डे है. अरे 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 अरे, अरे यार अभी अब जाके फूटी वो सुबह से. तभी मैं सोचू कि ये पल्लवी कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी. मेरे पहली बार पल्लो की बात पल्ले नहीं पड़ रही थी यार. अभी समझा तो क्या. हाँ. Excuse us. Carry on, have fun, guys. Come on. Exactly, तो ये अच्छा है ना. वो बोलेगी रणबीर आई लव यू टू. मुझे इसी का तो इंतजार था. नहीं होता मेरे भाई, मेरे दोस्त नहीं होता ऐसे. क्या समझाओ तेरे को. वैसे भी आई डोंट थिंक वैलेंटाइन डे इज माय टाइप. मैं नहीं, ये थोड़ा चॉकलेट्स ये फ्लावर्स लवर्स मेरे को जमते नहीं. मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा ग्रैंड सा, कुछ बड़ा सा, समथिंग वेरी डिफरेंट. मतलब समझ रहा है, कुछ जो किसी ने ना किया. समझा. चलना चल. प्राची आज का दिन कितना अच्छा है ना. सबका मूड कितना अच्छा है. पर तुझे क्या हुआ है? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? कल सरिता आंटी को ज्यादा ही गुस्सा नहीं हो रही थी? ऐसे जैसे कि उन्हें प्यार से नफरत है. बॉयफ्रेंड है. और सरिता आंटी वो पुराने जमाने की है जरूर, पर उनकी सोच बहुत मॉडर्न है. उनको लगता है कि अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो ना तो कन्फेस करो, बताओ सबको. और प्राची छुप छुप के प्यार करने में कोई मजा नहीं है. लोग कहते हैं ना कि जो प्यार छुप के किया जाए वो प्यार प्यार नहीं होता, गुना होता है. तो क्यों करना है वो गुना? सरिता आंटी को रणबीर बहुत पसंद है, मुझे रणबीर बहुत पसंद है, मासी को रणबीर बहुत पसंद है. और अगर तुझे रणबीर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना, तेरे मन में वैसी वाली फीलिंग्स है उसको लेकर, तो उसे बोल दे. फिर देखना सरिता आंटी की तरफ से कुल्लम खुल्ला छूट. तुझे बारिश में नाचना है नाच, तुझे गाना गाना है गा, जो दिल में आए वो कर. फिर तो खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों. हो गया तेरा, हो गया, रो सकते हैं. तू मत कर, पर कोई ना कोई तो प्रपोज करेगा ही. और मैं इसके मुंह से निकल ना के रहूंगी. इसके दिल में रणबीर के लिए सरिता आंटी की पार की नजरें धोखा तो नहीं खा सकती. और उन्होंने कुछ देखा है तो तुम दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ तो है. क्या ढूंढ रही है? कुछ नहीं, तू सामने देख. बता ना क्या ढूंढ रही है बैग में. ओह, कहीं कोई रोज वोज तो नहीं लेकर आई है? किसी को प्रपोज करने के लिए या किसी को देने के लिए? जी नहीं, मेरे पास कोई रोज नहीं है और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि मैं किसी को प्रपोज नहीं करने वाली. ये क्या बात हुई? जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ लड़के ही लड़के को प्रपोज करे. अब तेरी क्लास नहीं है तो जाना अपनी क्लास में. मेरे को भी अपनी क्लास जाना है, टाइम हो गया, लेट्स गो. अच्छा तू मेरे को पहले ये बता. हाँ. तो उसको प्रपोज करने वाला है? किसको? प्राची? नहीं पागल है क्या? वैलेंटाइंस डे पे प्रपोज वपोज? वैलेंटाइंस डे इज वेरी नॉट इंडियन यार. मैं चाहता हूँ कुछ इंडियन, यू नो, थोड़ा देसी, थोड़ा अपना भारतीय, वैसा कुछ. हाँ वो तो तू ही तो है सच्चा हिंदुस्तानी. चल क्लास में जाते हैं. तेरी क्लास भी हो गई, आई थिंक स्टार्ट हो गई. यू शुड गो, यू शुड गो. चल आई सी यू, आई सी यू. ब्रेक में मिलता हूँ. ओके बाय 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 बाय. मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मुझे बहुत खुशी देती है. जब मैं दोनों चीजें बता दूंगा तो मैं उसको ये पिंक फ्लावर दूंगा. पिंक फ्लावर से क्या बताया था आपने? आई लाइक यू, राइट? तो मैं उसको बताऊंगा कि मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ. और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेड फ्लावर देखे मैं उसको बता दूंगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ. okay. तो ये सारे. ओके थैंक यू सो मच. कितना हुआ? 100 rupees. ये लीजिए. थैंक यू. हाय, दिस इज फॉर यू. How sweet यार, but I'm so sorry, मैं ये ले नहीं सकता. मैं actually किसी और का हूँ. किसी और को दे दो ये, ठीक है? Thank you. How sweet. मुझे पसंद ही नहीं करते, सब मुझसे प्यार करते हैं. Everyone. वो तो दिख रहा है कि सब तुमसे कितना प्यार करते हैं. और तुम्हारे हाथों में तो फूलों की दुकान है ना? तुमने तो कॉलेज के बाहर फूलों की दुकान लगा रखी है. कि आगे क्या दिखा रहे हो मुझे? तुम तो ऐसे इतरा रही हो जैसे तुम्हारे पीछे लाइन लगी हुई है. हाँ तुम्हारे हाथ में कितने हैं? हाँ रेड रोज गिनाओ, बताओ, शो मी. मेरे पास कोई नहीं है. तुम्हें पता है मेरे पास भी कोई नहीं है जो मुझे रेड रोज दे सके.
अब चलो एक काम करते हैं, हम दोनों ना एक दूसरे को डोजेस देते हैं। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, ताकि जो भी हमें देखे ना उन्हें लगे नहीं कि कोई हमें पसंद नहीं करता। तुम कौन से शेल्फ के पास हो, कौन से बुक की, कौन सी कैटेगरी के पास? रोमांस। रोमांस नॉट बैड, मैं सामने ही खड़ा हूं तुम्हारे। सॉरी। इट्स ओके। ओह माय गॉड, ये तो रिया को प्रपोज करने जा रहा है, इसके हाथ में फ्लावर्स हैं। रिया, रिया रणबीर तुम्हें प्रपोज करने आ रहा है लाइब्रेरी में। क्या? उसके हाथ में कुछ फ्लावर्स भी थे। हाय, कब से? सॉरी। He really like you. उसके बाद मैं फाइनली जाके बोलूंगा आई लव यू रेड वाले फ्लावर से। अब रेड वाला फ्लावर इतनी लेट दूंगा तो क्या फायदा? रेड वाला फ्लावर अगर यार मुझे प्यार के बारे में कुछ क्या हुआ लाइब्रेरी है। डिस्गस्टिंग। क्या डिस्गस्टिंग? वहां पे शेल्फ के पास दो लोग क्लोज। वैलेंटाइन्स डे। आई नो वैलेंटाइन्स डे, कुछ भी करेंगे क्या? अरे पहले जान तो लो, समझ तो लो रिलेशनशिप क्या है, एक दूसरे को अच्छे से समझ लेना चाहिए ना। ये लोग पता है क्या करते हैं? सबसे पहले क्लोज हो जाते हैं, फिर उन्हें रियलाइज होता है कि ओ हम एक दूसरे से कंपैटिबल है ही नहीं, एक काम करते ब्रेकअप कर लेते। फ्लावर्स? नहीं मैं कोई फ्लावर्स नहीं लाया। किसने, कौन बोला तुम्हें? ए यू, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तुम्हें चलना नहीं आता। अरे रिया गलती से हाथ लग गया है तो कि कोई गलती से हाथ नहीं लगा है, ये जानबूझ के मुझसे लड़ना चाहती है, इसे सिर्फ लड़ना है मुझसे। मेरे पास और कोई काम नहीं है तुमसे लड़ने के अलावा। एक्चुअली तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है मुझसे लड़ने के अलावा। यू नो व्हाट, तुम क्या सोचती हो, तुम जितना मुझसे इशू क्रिएट करोगी तुम उतना कॉलेज में फेमस होगी। रिया व्हाट आर यू सेइंग? शट अप। तुम दिन भर यही सोचती रहती हो क्या? इतनी सी बात को इतना बढ़ावा दे रही हो। छोटी सी बात है या बड़ी सी बात है ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। समझ में आया तुम्हें मेरी बात? कहाँ हो तुम प्रज्ञा? फोन स्विच ऑफ रहता है, बेल जाती है तो तुम उठाती नहीं। आई नो तुम मुझसे अपसेट हो कि मैं उस दिन तुमसे मिलने कैफे पे नहीं आ पाया। मुझसे मिले नहीं तो इतना गुस्सा हो गई कि अब मेरा फोन भी नहीं उठा रही हूँ। ऐसा भी क्या गुस्सा, दिस इज टू मच। एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो कि मैं क्यों नहीं आ पाया। पर इट्स ओके, होगी तुम्हारी कोई वजह। तुम ऐसी ही हो, वही करती हो जो ठीक लगता है। पर मैं भी ऐसा ही हूँ। तुमने जिद पकड़ ली कि अपने तक पहुंचने नहीं दोगी। मैंने भी जिद पकड़ ली कि पहुंचे बिना रहूंगा नहीं। इसीलिए कह रही हूँ कि तुम ना हेल्प करने की, सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश मत करो। यू बेटर ऑफ। और पता नहीं क्यों मेरी माँ कहती है वो मेरी छोटी बहन की तरह है, हम बहनों की तरह लड़ती है। पर छोटी कहाँ से, मेरी जैसी ही तो है। मुझे भी यही लगता है कि तुम दोनों बहनों जैसी हो। तुम्हारे उसमें मुझे लगता है एक या दो दिन का डिफरेंस होगा या एक दो मिनट का डिफरेंस होगा। वैसे बाय द वे कभी मैंने पूछा नहीं तुम्हारी एज क्या है। एक्सक्यूज मी, कितने बदतमीज हो तुम। मैंने क्या किया? किसी लड़की को ऐसा सवाल नहीं करते, बैड मैनर्स। अच्छा ठीक है, इट्स ओके। हम एक काम करो, तुम मुझसे मेरी सैलरी पूछ लो। क्यों? क्योंकि जैसे लड़कियों को एज के बारे में नहीं पूछना चाहिए वैसे लड़कों को सैलरी के बारे में नहीं पूछना चाहिए। तुम मुझसे सैलरी पूछ लो, हिसाब बराबर। तुम अजीब। हाय फाय। शट अप। नहीं नहीं, पैसे कैसे? हाँ देखिए, आपके होटल में कैफेटेरिया, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई छोटी बात तो है नहीं। और मैं कॉफी अच्छा बना लेती हूँ, ये तो मुझे इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मतलब कैसे करूँगी, और जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मैं कर भी पाऊँगी या नहीं, मैं मुझे नहीं पता। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। तेरे बारे में बात कौन कर रहा है? मैं तो अपने बारे में बात कर रही थी, क्योंकि इनके होटल में जो कॉफी शॉप हो गया ना, उसकी हेड तो मैं बनने वाली हूँ। वो निश्चिंत रहिए, वो तो आप ही रहोगे। आप अपना सोच के बता दीजिए, इनका तय। चलो मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, आप प्लीज, अब कॉफी तो पीकर जाएंगे। आपको पता है जो लोग इस घर में रहते हैं वो लोग कहाँ शिफ्ट हुए? नहीं मुझे नहीं मालूम, कुछ दिनों के लिए वो लोग यहाँ आए हुए थे। उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ एड्रेस, कुछ देकर? मैडम चेंज दीजिए। जो दिल को बनाती है।
सलोनी सलोनी सॉरी तुम देख क्या रहे हो ढूंढो ना उसे हाँ मैं देख के आती हूँ ये वैलेंटाइन डे पे मुझे हो क्या रहा है हे भगवान ये दिन तो मेरी जान ले लेगा सलोनी तुम अपनी जगह से हिले भी नहीं कहाँ ढूंढा मोबाइल फोन में अरे मैंने ढूंढा ना ये टेबल के नीचे ढूंढा मैंने तुमने कहा था ना कि तुम्हें बारिश बहुत पसंद है तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए फूलों की बारिश करूं ऐसी बारिश हाँ बस हो गया फन यार हम यहाँ फन करने नहीं आए सलोनी को ढूंढने आए उससे बात करनी है एक से कहाँ गई वो उसको फोन कर हाँ हाँ यू राइट यू राइट कहाँ चली गई पता नहीं उठाया नहीं उठा नहीं रही है अजीब लड़की है हमें यहाँ बुलाया और खुद गायब है एक काम करता हूँ मैं फोन करता हूँ मेरा फोन उठाएगी आई थिंक सो यही बुलाया था ना कमाल है मेरा फोन भी नहीं उठा रही आई एम श्योर मुझे लग रहा है कोई कॉलेज का कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा उसमें बिजी होगी या फिर लेक्चर में गई होगी अटेंड करने एग्जैक्टली मुझे लग रहा है वो वेट कर रही होगी हमारा उनको उसको लाओ हम आए नहीं है तो वो चली गई कहीं और चली गई चलो तब तक कहीं और ढूंढते आई श्योर मान जाओगी तब तक मैं रणबीर कोर्ट में इनोसेंट नहीं प्रूव कर सकती और जब मैं उसे बचाऊंगी तब उसे रियलाइज होगा कि कौन उसकी लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं या तो पर उसके लिए भी मुझे कोर्ट की डेट का इंतजाम करना पड़ेगा विच इज अनोइंग ऑफ कोर्स बट क्या करें आई हैव टू बी पेशेंट आई नो मैं तुम्हारी माँ के अच्छे दामाद वाला सपना तोड़ने वाली हूँ पर क्या करूँ रणबीर सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा